यूपी के आगरा में डग्गामार बसों वालों की मनमौजी फिर से देखने को मिली। यहां रोडवेज बस में सफर करने के लिए आने वाले यात्रियों को डग्गामार गाड़ी वाले जबरन अपनी गाड़ियों में बैठा लेते हैं। आगरा शहर में डग्गामार बसों का एक बार फिर आतंक चरम पर है। आइए बात करते हैं ARM RS चौधरी जी से और पूछते हैं कि आखिर ये डग्गामार बसों की समस्या कब तक हल होगी। हालांकि काफ़ी हद तक इस पर अंकुश पा लिया गया है, लेकिन यदा कदा कहीं ना कहीं ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हर जगह तो प्रशासन हो नहीं सकता। तो इस पर प्रभावी रूप से पूरी तरह से ये निरंकुश ना बने, इन पर रोक लगाने के लिए, ताकि दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लग सके और जो शहर में जाम लगता है सड़कों पर या बाईपास पर, उससे भी बचा जा सके। इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं जानते हैं चौधरी साहब से, तो किस तरह के प्रयास सर किए जा रहे हैं? देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन और के पूर्ण रूप से ये निर्देश हैं, किसी तरह से कोई भी डग्गामार बसें ना चलें। और जहां तक कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी इस जीरो टॉलरेंस पर कार्य किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा उनका एक प्रथम सपना है कि किसी तरह से कोई किसी तरह की जनहानि ना हो, किसी तरह का कोई दुर्घटना ना हो। ये हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही प्रयास है और समय समय पर शासन को निर्देशित किया जा रहा है। हम लोगों को उच्च निगम प्रबंधन साथ में शासन से निर्देश मिलते हैं, उनके तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी बसों के चालान के लिए या किस तरह की क्या व्यवस्था है, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर फिर छूटने के बाद फिर वही बसें फिर से सड़कों पर आ जाती हैं, तो इसके लिए एक अभियान बनाकर चलने की जरूरत है, क्या समझिए? जी, ये हमारे यहाँ हमारे उच्च निगम प्रबंधन द्वारा आदेश जारी किए हैं कि यदि डग्गामार वाहनें बढ़ती हैं तो समय समय पर RTO के साथ जॉइंट चेकिंग करें, ताकि राजस्व की हानि को बचाया जा सके। अभी जस्ट में अभी 4 गाड़ियाँ मैंने चेक किया है, जिसके 3 चालान कराए हैं, 1 को सीज किया है, जस्ट अभी की बात है। तो यहाँ तक विभाग का कहना है कि इन्होंने पूरी तरह से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जब जब समय समय पर ये अपनी कार्रवाई करते रहते हैं, चाहे वाहन सीज की कार्रवाई हो, चाहे चालान की कार्रवाई हो। अब देखना ये है कि कब तक आखिर पूरी तरह से ताज नगरी में इन डग्गामार वाहनों पर रोक लग पाएगी। सरकार जहां एक ओर कोशिश कर रही है कि आगरा से दिल्ली तक का सफर सुहाना भरा हो, तो वहीं दूसरी ओर अवैध बस वाले सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। डग्गामार बस सरकार के लाखों रुपए को चूना लगा रही है। तस्वीर आगरा की भगवान टॉकी चौराहे की है, जहां बसें खड़ी होकर सवारियां भरती हैं। दिलचस्प बात यह है कि बसें अपने आप को अनाधिकृत दिखा रही हैं, जबकि उनकी अनुबंध वैधता खत्म हो चुकी है। इस विषय पर लाइव 24 के संवाददाता गजेंद्र तोमर ने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक RS चौधरी से, उन्होंने कहा कि प्रशासन इस घटना पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है।